हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम पेरिमीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम के कंप्लीट फॉर्मूले को समझेंगे। अगर आप एनटीएस, अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर आप सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है बच्चों, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना है बच्चों, समझना है पहले पेरिमीटर्स क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, इनके डिटेल कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इन पे हम एक दो क्वेश्चन को भी लगाएंगे बच्चों, राइट। तो आप कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे आपको कंप्लीट इंटायर फॉर्मूला इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा, राइट। चलो देखते हैं सबसे पहले पेरिमीटर। तो पेरिमीटर्स क्या होता है, पेरिमीटर क्या होता है, जब किसी एरिया को आपको बाउंड करने के लिए, घेरने के लिए अगर जितनी रस्सी की रिक्वायरमेंट होती है ना, आप उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेरिमीटर बोलते हैं। अब अगर ऐसे हम समझ ले, जैसे मान लो चलो ये हमने एक बाउंडेड एरिया बना दिया, अब इस एरिया को कवर करने के लिए जितनी हमें एक्वायर करते रस्सी, उसी को तो बोलते हैं पेरिमीटर। क्या बोलते हैं, पेरिमीटर, यानी टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल लेंथ जो कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिमीटर, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर, कोई फिगर है उस फिगर को बाउंड्री करने के लिए जितने लेंथ की रिक्वायर्ड होती है वो हमारा पेरिमीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरिया की बात कर ले, तो एरिया तो ये जो एरिया कवर कर जाते हैं ना, जो फिगर हमने कवर कर लिया, अब उस फिगर के जो अंदर जितने भी एरियाज होते हैं वो हमारा एरिया होता है। एक हमने लाइन लिख दिया, द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन क्लोज फिगर, अभी हमने पेरिमीटर से क्लोज किया और क्लोज करने के बाद जो एरिया बाउंडेड हो गया, उस बाउंडेड एरिया को हम लोग, उस बाउंडेड रीजन को हम एरिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है। स्क्वायर को समझो, स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है स्क्वायर के क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है ना। ये फिगर दिख रहा है आपको, ये साइड ए है, ए है, ये ऑल साइड इक्वल्स है, और डायगोनल इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए अंडर रूट क्या होता है, 2 हो जाएगा, ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 * क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तो साइड की जगह पे हमने ए लिखा है तो हमने ए लिख दिया, और एरिया की अगर बात कर ले तो साइड * साइड होता है, एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड * साइड, आप देख रहे हैं ए * ए, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम डायगोनल की बात कर ले तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए अंडर रूट 2 होता है, ओके। और अगर एरिया का स्क्वायर ऑफ द डायगोनल के फॉर्म में, तो डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूले आप क्लियर हो गया होगा, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से माइंड आउट कर ले बच्चों, आप अपने नोटबुक पे नोट कर ले, इस पे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले लेक्चर में। चलिए आगे देखते हैं क्या है, अगला देखो बच्चों हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, जिनके अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, जो आप फिगर में देख रहे हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये इनके डायगोनल, डायगोनल्स क्या होता है कि जो भी फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है हम उसको डायगोनल बोल देते हैं, राइट। चलिए पेरिमीटर की बात कर ले तो 2 × L + B होगा, ठीक है बच्चों। एरिया की बात कर ले L × B, डायगोनल्स निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट, अंडर रूट बोलते हैं इसको, अंडर रूट L² + B² L² + B² तो ये आपका डायगोनल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पाइथागोरस, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये ऑलवेज एक्ट करता है राइट ट्रायंगल के लिए। तो देखो ये राइट ट्रायंगल्स है, ये इनका बेस है, ये इनकी हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ पे अंडर रूट लगा देना होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यही चीज हमने यहाँ पे देखो बच्चों इस फिगर में किया है, अगर ये हमारा 90 डिग्री का होता है ना, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो बी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा L का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यही तो है L का स्क्वायर B का स्क्वायर, आप इनको क्या बोल सकते हो, H भी बोल सकते हो, हाइपोटेनियस बोल सकते हो, आगे ना स्पीकर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना इन फॉर्मूले को,
और अगर आपको पी चाहिए इसको उससे लेके जाओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये कर दो बच्चों। ऐसे अगर आपको पी चाहिए तो क्या करोगे एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और अगर आपको बी चाहिए तो अंडर रूट क्या कर लेंगे एच स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पी निकल के आ जाएगा बी निकल के आ जाएगा और एच निकल के आ जाएगा। बी फोर बेस हो जाएगा पी फोर परपेंडिकुलर हो जाएगा और एच फोर हाइट हो जाएगा राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है बच्चों ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं राइट। जैसे अगर इस फिगर को आप देख रहे हैं इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या है थ्री साइड्स है थ्री वर्टेक्स है थ्री आर्म्स थ्री एंगल्स भी है ठीक है ना। चलिए तो ट्रायंगल को दो तरीका ट्रायंगल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक देखो इसके स्केलिन ट्रायंगल्स हैं। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनका कोई साइड इक्वल्स नहीं होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल्स ठीक। और जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल्स ठीक है। और जिनके तीनों साइड बराबर होते हैं उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात कर लें अगर आपसे पूछा जाता है कि पेरीमीटर ट्रायंगल्स क्या होगा तो आप सम ऑफ ऑल साइड कर लेंगे वो सभी के लिए एप्लीकेबल है स्केलन के लिए भी है आइसोसेलस के लिए भी इक्विलेटरल के लिए भी है। बट अगर जैसे जैसे साइड हो जाता है ना तो सेम होता है उसका फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है राइट। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल साइड राइट या पेरीमीटर क्या होगा इक्विलेटरल का 3 * साइड क्योंकि तीन साइड होता है तो ए ए क्या हो गया 3a है ना। ऐसे देख लो ना ये देख लो आप है ना तो ये हो गया ना। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3a तो हुआ वही बात तो हमने यहां पे भी लिखा है सम ऑफ ऑल साइड सभी साइड का ऐड कर दो बस यही है। इसकी बात कर लो इसके अगर आप पेरीमीटर की बात कर लो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा b क्योंकि दो साइड इक्वल ही होगा चाहे 2b ले लो चाहे 2a ले लो या कोई कहता है सर मैं तो ये लूंगा कोई दिक्कत नहीं आप ये ले लो कोई दो साइड इक्वल होगा इनका है ना तो आप ये भी लिख सकते हैं ठीक है। अगर उसके बाद एरिया की बात कर ले तो 1/2 बेस इनटू हाइट क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। अब एक चीज कब होगा ये क्या होगा राइट एंगल के लिए आप लगाएंगे अगर स्केलिन ट्रायंगल आता है क्या स्केलिन ट्रायंगल आता है उसके लिए एरिया आप ये लगाएंगे क्योंकि सभी साइड डिफरेंट होता है तो उसके लिए क्या होता है s s minus a s minus b s minus c और s जो होता है वो सेमी पेरिमीटर होता है। क्या होता है s जो होता है बच्चों ये सेमी पेरिमीटर होता है आप यहां जाओगे तो लिख दो इसको सेमी पेरिमीटर सेमी पेरिमीटर होगा क्या होगा सेमी पेरिमीटर होता है। s क्या होता है सेमी पेरिमीटर और ये इनके जो होता है ट्रायंगल होंगे ये a हो जाएंगे ये b होंगे और ये c होगा राइट। s निकालने के लिए तीनों a b c अपॉन 2 कर दो हमारा s निकल के आ जाएगा और ये s की वैल्यू यहां पे s - a आपको जो आएगा s उसमें से a को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा s - b s - c ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये ट्रायंगल के कांसेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना ओके। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों वॉल्यूम किसका है वॉल्यूम को समझेंगे क्या समझेंगे वॉल्यूम ध्यान दो बच्चों राइट। तो देखो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं ना वो 3D शेप का ही होता है। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो वॉल्यूम किसका होगा 3D शेप का होगा तो ये चीज ध्यान रखना आप ओके। चलिए देखो सबसे पहले क्यूब तो क्यूब भी क्या होता है 3D शेप का स्क्वायर से मिलकर बना हुआ था तो वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब हो जाएगा और a चाहिए साइड चाहिए तो क्या करना अंडर रूट क्या कर दोगे v और यहां पे क्यूब कर देगा ठीक है। और अगर हम क्यूबॉइड की बात कर लें क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात कर लेते क्या हो जाएगा l into b into h l उनका लेंथ b हो जाएगा बेस h हो जाएगा हाइट ठीक। और अगर हम सिलेंडर की बात कर लें अगर हम सिलेंडर की बात कर लें तो ये देखो हमारे पास सिलेंडर है बच्चों ठीक है ये तो सिलेंडर है सिलेंडर की अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच जहां पे पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है 22/7 या फिर आपको 3.14 दिया हुआ रहेगा वो आप देख लेना क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आता है कोण है ना कोण देखो ध्यान से यहाँ पे बच्चों ये क्या है कोण
तो कोन की अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच है, तो वॉल्यूम याद करना बहुत जरूरी है, आसान से याद कर लेंगे इसका कोन का, जो आपका क्या है सिलेंडर का होगा उसी का वन थर्ड पार्ट। क्लियर हुआ? ओके, अब देखो बच्चों उसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम की बात कर ले तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, ये हमारा रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आता है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये कुछ आपके वॉल्यूम्स थे, क्योंकि चैप्टर के हेडिंग ही थी हमारा एरिया, क्या था बच्चों हमें था जो पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, तो हमने पेरीमीटर एंटायर समझ में आ गया, एरिया भी समझ में आ गया एंड वॉल्यूम भी क्लियर हो गया। तो आई होप ये सभी को फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस स्लाइड के ऊपर। यस बच्चों है क्वेश्चंस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर खुद साइड इज 18 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो किसका स्क्वायर का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो सिंपल, तो पेरीमीटर अभी आपने पढ़ लिया, बड़ा 4 इनटू साइड होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इनटू साइड, तो 4 इनटू क्या हो जाएगा 18, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर होता है। बस इतना सा आसान सा था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते करें, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी बताया था मैंने, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा l into b, ठीक है ना, तो l into b, l कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और b कितना है 18, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 18, 12 को क्या कर दो 18 पंचे कितना होता है बच्चों, है ना, 18 पंचे अगर सॉरी 12 है ना बच्चों 12, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते है ना, तो 12 का जोड़ पंचे बच्चे तो चले मेरे बच्चे साइड बढ़ सकते 84 80 बढ़ सकते 84 बढ़ते 96 96 आएगा बच्चों, क्या होगा बढ़ते 96 है ना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो देखो ये आपके हैं 96 12 पंचे 60 बढ़ सकते 72 बढ़ सकते 84 बढ़ते 96 96 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। तो आई होप ये सभी फॉर्मूले और ये दो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो बच्चों वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।